सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम राधारानी मंदिर की अटारी पे हैं। आज मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखाऊंगा। सभी एक बार राधे राधे बोलिए। कितना सुंदर नज़ारा है आज का, मुझे लगा ऊपर का नज़ारा दिखाऊंगा। फिर उसके बाद श्री जी के नीचे का दिखाऊंगा। कैसे श्री जी का अभिषेक करते हैं ये सब बताऊंगा। उसके बाद में श्री जी ने आज क्या पोशाक पहनी है, क्या श्रृंगार है, ये लाडली जी के आप दर्शन कर सकते हैं। श्री राधे श्री राधे। आज श्री जी की एकादशी का बहुत सुंदर नज़ारा है। एकादशी कामिका एकादशी, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। सभी राधे राधे बोलते रहिए। पर एकादशी का एकादशी पर सभी आप लोग कैसे अपने ठाकुर जी का अभिषेक कराना है, मैं सबको एक मंत्र बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। श्री जी ऐसे ही कृपा करें और ऐसे ही आपको बरसाना बुलाती रहें और सुंदर नज़ारे का आनंद लेते रहिए आप। देख सकते हैं आज मैं ऊपर की तरफ हूँ थोड़ा। आज सोचा आपको थोड़ा ऊपर का नज़ारा मैं आज आपको दिखाऊं। जय जय श्री राधे। कितना सुंदर है बरसाना, श्री जी का महल, लाडली अद्भुत नज़ारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। आप देख रहे हैं एकादशी है, लोग परिक्रमा दे रहे हैं लेकिन मंदिर बंद है, सब लोग बाहर से परिक्रमा देकर जा रहे हैं। लोगों की इच्छाएं रहती है कि श्री जी तुम्हारे दर्शन नहीं लेकिन फिर भी अपना जो कर्म है श्री जी तुम्हारी परिक्रमा तो लगेगी। इसी तरह लोग बाग आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। ये श्री जी का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। श्री जी आपको भी बस बरसाना बुलाए, मैं बस थोड़ी देर में आपको जो श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करूँगा और उसके बाद में मैंने कल भी बताया था कि कैसे हम अपने विग्रह राधारानी विग्रह को हम कैसे अभिषेक कराते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी अभी सुबह ही डाली थी कि जिस पात्र में हम जो अभिषेक कराते हैं उसी तरह आप भी अपने किसी पात्र में श्री जी का अभिषेक या अपने गोपाल जी का अभिषेक करा सकते हो। उसके लिए क्या क्या प्रतिक्रिया होंगी मैं आपको बताऊँगा। एक बार आप प्यार से एक बार पहले अटारी का आनंद लीजिए, उसके बाद में मैं वर्णन करूंगा श्रृंगार का और श्री जी के अभिषेक का। आइए अब बात करते हैं श्री जी के अभिषेक की। ये श्री जी की अटारी है, मैं आपको बता दूं
ये वाली जो है ये श्री जी के गर्भगृह की है, जो गुम्बद है राजरानी यहाँ विराजमान होती हैं। और ये दूसरी जो गुम्बद है जो मैं आपको बताऊँ, ये श्री जी के शयन कक्ष की है, महारानी यहाँ इसके नीचे शयन करती हैं। ये श्री जी का शयन कक्ष है। जय जय श्री राधे, सभी को प्यार भरा राधे राधे। आज मैं मंदिर की अटारी से आज आपके लिए श्री जी के श्रृंगार का वैसे रोजाना करता हूँ, आज सोचा कि आपके सामने आके बस इस ऐसा बखान करो। तो आज हमारी लाडली ने चांदनी रंग की पोशाक पहन रखी है, श्री राधे राधे। श्री जी ने आज चांदनी रंग की पोशाक पहन रखी है और ऊपर से आज श्री जी ने, कल सोने की चंद्रिका थी, आज हमारी लाडली ने नौ रंग वाली चंद्रिका पहनी है जिसमें नवरत्न में है। श्री जी की बहुत ही प्रिय चंद्रिका है, मैं दर्शन कराऊंगा आपको। ये चंद्रिका इतनी बेस इतनी अनमोल है कि मैं क्या बताऊं, कि एक बार जिसके मस्तक लग जाती है वह बहुत धन्य धन्य हो जाता है। इसके पीछे भी एक मैं चमत्कार है, वो भी आपको बताऊंगा कि श्री जी की चंद्रिका से, श्री जी की चंद्रिका किसी के मस्तक लगने से कितना बड़ा चमत्कार हुआ, ये भी मैं सब आपको बताऊँगा। तो बात करता हूँ श्री जी के, तो एक श्री जी का जो मैंने पाटिया बताता हूँ, जो मैं श्री जी हमारी रोज़ाना पहनती है, तो वह पाटिया श्री जी अपने गले पर पहनती है। यह पाटिया सोने का होता है जिसे श्री जी हमेशा धारण करती हैं। उसके बाद में श्री जी एक सोने का हार पहनती हैं। उसके बाद हमारी राधा रानी मोतियों का हार पहनती हैं, कि मोतियों की माला हैं। कभी आप भी जब बरसाना आओ तो एक ही आपसे आग्रह करूँगा कि जब भी आप लेके आओ तो श्री जी को छोटे, राधा रानी और ठाकुर जी के लिए छोटे छोटे हार लाया करना मोतियों के लिए। जैसे भी हो श्री जी को बस ऐसे ही करना, सोने के ला सको सोने के लाओ, चांदी के हो ज़्यादा भी ना हो तो मोतियों के भी लाओ, तो भी श्री जी धारण करती हैं। अगर सच्चे हृदय से आप श्री जी के लिए लाओगे तो श्री जी अवश्य धारण करेंगे, कृपा हुई तो श्री जी आपके सामने ही धारण करेंगे। तो श्री जी की जो मोतियों के हार हैं, उसके बाद में राधा रानी ने एक और आज दो, क्योंकि एकादशी का दिन है तो श्री जी स्वर्ण के आभूषण पहनती है, तो आज एक और श्री जी ने दो हार सोने के पहन रखे हैं। राधा रानी का बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं श्री जी का आज कितना सुंदर झुको आए बदरा, मतलब आज तो सावन के महीने में बादल भी इस तरह झुके रहते हैं। और उसके बाद में श्री जी ने मोगरा की माला पहन रखी है, मोगरा की माला है श्री जी के ऊपर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है राधा रानी का। और उसके बाद में हमारे ठाकुर जी की आज बात करें तो ठाकुर जी ने आज नए कटार लगाए हैं, मोरपंख जो लगाते हैं, ठाकुर जी नए कटार हैं, कोई भक्त लेके आया था, तो आज ठाकुर जी ने अपने मस्तक पर और अपने कानों के पास में, कुंडलों के पास में वहाँ एक दो कटार लगाए हैं मोरपंख जैसे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और सुसज्जित लग रहे हैं श्री जी की। ये श्री जी का नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप अभी फिलहाल में श्री जी के मैं एक और अभी इसके बाद सूचना दूंगा। और ठाकुर जी ने सोने के मुकुट पहने हैं जिसे हम सिरपेच और टिपारा कहते हैं, ये भी आप सब नहीं जानते हैं कि सिरपेच और टिपारा क्या होते हैं, मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, कभी इनके दर्शन भी कराऊंगा। ऐसे नज़ारा मैं आपको धीरे 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 लाता रहूँगा। और श्री जी की राधाष्टमी, जन्माष्टमी, हरियाली तीज, ये सब उत्सवों की जानकारी देता रहूँगा कि क्या क्या विशेष होता है हमारे यहाँ। तो ठाकुर जी ने आज सोने के मुकुट के साथ नए मोरपंख और कटार लगाए हैं। और ठाकुर जी का चंदन आज फूलों का चंदन है, ठाकुर जी के मस्तक पर फूलों की जो आकृति बनी हुई है। साथ में श्री जी के चंदन की बात करूँ तो श्री जी ने आज गोपी चंदन लगा रखा है, कई बार जो ठाकुर जी लगाते हैं वो आज श्री जी ने लगा रखा है। श्री जी आज गोपी बनकर बैठी है और ठाकुर जी आज फूलों में बिराज, और ठाकुर जी ने गले में कंठा पहन रखा है। कंठा यानी कि श्री जी जो गले में पाटिया पहनती हैं, ठाकुर जी कंठा पहनते हैं। ये नज़ारा होता है हमारे श्री जी का, कभी आप आओ तो बस बहुत करीब से दर्शन करना, मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद ठाकुर जी ने भी सोने का हार पहना है, उसके बाद मोतियों की माला है, जो सफ़ेद मोतियों की माला है जिसमें लाल ठप्पे इस तरह से शोभायमान है कि जो दूर से ही चमक रहे हैं, ठाकुर जी की शोभा को और बढ़ा रहे हैं।
ये नज़ारा है, बहुत ही सुंदर हवा चल रही है हमारे बरसाना में, बहुत ही सुंदर हवाएं आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद में ठाकुर जी ने एक मटर माला पहनी है, ये मटर माला सोने की मालाएँ होती है जिसमें गोल गोल मोतिये होते हैं, तकरीबन 100 मोतियों की माला होती है जो मटर माला होती है, ये हमारे ठाकुर जी ने आज पहन रखी है। दर्शन नहीं करा सकता लेकिन मेरे जितने भाव हैं मैं प्रकट कर रहा हूँ आपको, आप दिल से सुनिएगा, आपको श्री जी साक्षात दर्शन देंगे। मोगरे की माला के साथ ठाकुर जी विराजमान हैं, श्री जी और ठाकुर जी दोनों मोगरा में, गर्मियों के टाइम हमारे गर्भगृह में इतनी खुशबू होती है उन मोगराओं की कि पूरा गर्भगृह इतने से कम बल्कि मोगरों से ज़्यादा महकता रहता है, उसमें घुसते ही इतनी महक आती है कि कई बार पुजारी जी, जब पुजारी अंदर गर्भगृह में जाते हैं, जब लौट कर आते हैं तो लोग बोलते हैं कि कौन सा इत्र लगाया है, बल्कि वो इत्र नहीं होता, वो वहाँ के गर्भगृह की खुशबू होती है जो पुजारियों तक स्पर्श होती है, उसके बाद में सभी को महसूस होती है। ये सब नज़ारा है हमारी राधा रानी का। और आज मैं बात करता हूँ कामिका एकादशी की, सभी ध्यान से सुनिएगा कि हमारी आज कामिका एकादशी है तो हम कैसे श्री जी के अभिषेक को हम कैसे करते हैं। मैंने आपको अभी सुबह एक वीडियो डाला था, जो आप जो पात्र देखते हैं वो ट्रिष्टा है, जो पात्र था वो ट्रिष्टा है, जिसमें क्या होता है कि हम जो सबसे पहले आप भी अपने पात्र में जो भी बर्तन में अपने ठाकुर जी को स्नान करें वहाँ पे उसे सांतिया, जो आपने सुना होगा सांतिया काढ़ के, सांतिया बनाने के बाद में वहाँ फूल थोड़े से पुष्प रखें, तुलसी साथ में, एक बात ध्यान रखें कि अभिषेक के टाइम तुलसी दल जरूर रखें, और तुलसी दल आप सांतिये भी काट सकते हैं या फिर आप अष्टवक्र जो मैंने काट रखा था उसमें वो भी आप काट सकते हैं, दोनों ही ठाकुर जी को सबसे प्रिय हैं, सांतिया थोड़ा इजी है, अष्टवक्र आप चाहो तो वो भी आप काट सकते हैं। तो उसके बाद में फूल और तुलसी दल वहाँ विराजमान करने के बाद में अपने ठाकुर जी को वहाँ पर आप विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो उसे कर सकते हैं शुरुआत में। सबसे पहले आपको 3 बार ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है जब ठाकुर जी आपके पात्र में विराजमान हो। उसके बाद ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलने के बाद में आपको मैं एक मंत्र, इसके बाद हमें क्या बोलना है ये सब आप कर सकते हैं, एक बार करके देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। ये अद्भुत नज़ारा सच में आपके लिए बहुत ही देखने के लिए है, मैं आज आपको अभिषेक के बारे में बता रहा हूँ, एक बार आप वो सब करके देखिए, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद में ब्राह्मण दीपे परादे श्वेत बारा कल्पे, ब्राह्मण दीपे परादे श्वेत बारा कल्पे जम्बू दीपे भारत खंडे आर्यव्रते, जम्बू दीपे भारत खंडे आर्यव्रते कलयुगे प्रथम चरणे, कलयुगे प्रथम चरणे अमुख नगरे, अपने जहाँ भी आप रहते हैं दिल्ली मुंबई पानीपत सोनीपत करनाल जहाँ भी आप रहते हैं अमुख नगरे, अपने अपने नगर का नाम लीजिए, जैसे कि हम बोलते हैं अमुख नगरे बरसाना नगरे राधारानी मंदरे, आप भी ऐसे अपने नगर का नाम लीजिए। उसके बाद में अमुख नगरे अमुख नाम, अपने नाम का उच्चारण कीजिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि चंद्र गोस्वामी, आप भी अपने नाम का उच्चारण कीजिए। उसके बाद में अमुख गोत्रे, अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए, जहाँ जिस गोत्र से आप आते हैं उस गोत्र का उच्चारण कीजिए। अमुक नामे अमुक गोत्रे अमुक बारे, जो भी जिस बार है, जैसे कि आज गुरुवार है, गुरुवार के दिन आज जो बार हो आप स्नान कराएं उस बार का नाम लीजिए, गुरुवारे के दिन आप जो है राधा रानी गोपाल जी कृष्ण पूजनम समर्पयामी, आप वे पुष्पों के जो हाथ में पुष्प लेकर वे आप समर्पित कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बताऊं, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ब्राह्मण दीपे परादे श्वेत बारा कल्पे जम्बू दीपे भारत खंडे आर्यप्रते कलयुगे प्रथम चरणे अमुख नगरे बरसाना नगरे राधारानी मंदरे अमुख नामे चंद्रशेखर गोस्वामी नामे अमुख बारे गुरु बारे गुरु बारे और अमुख तिथिये एकादशी तिथिये श्रावण कृष्ण पक्ष तिथिये श्री राधा कृष्ण पुष्पम समर्पयामि, आप उस तरह पुष्प समर्पित कर सकते हैं, इस तरह ही अपने गोपाल जी के लिए आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद जो मैंने आपको मंत्र बताया था, जब भी हम ठाकुर जी का स्नान करने के बाद में श्री जी को जब मंत्र के साथ में श्री जी का श्रृंगार करते हैं, जो मैंने बताया था
ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय, ये मंत्र मैंने आपको बताया था, आप इसका उच्चारण करके अपने राधा रानी, अपने ठाकुर जी, अपने गोपाल जी सबको रिझा सकते हैं। एक बार करके देखिएगा, बहुत ही सुंदर आनंद आता है। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय, इसमें हमेशा ठाकुर जी के इतने नाम हैं, जिस नामों को सुनकर हमारी राधा रानी कृपा करती हैं, सब पर रीझ जाती हैं। ये हमारा सुंदर मंत्र था जो मैंने आज आपको बताया। हमारे बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, क्योंकि बहुत लोग दूर दूर से यहाँ बरसाना, कई लोग बहुत दूर दूर से परिक्रमा देने के लिए आते हैं, तो श्री जी उन पर कृपा करती हैं। कृपा करने के साथ साथ राधा रानी उनको ऐसी शीतलता प्रदान करती है मौसम की, ताकि सभी लोग परेशान ना होकर राधा रानी की परिक्रमा दें। सभी लोग अब भी दे रहे हैं, थोड़ा बहुत देते हैं लोग, बाग मन नहीं भरता। जो लोग महीने के महीने 15 दिन आते हैं, उन्हें मन नहीं भरता, बोलते हैं श्री जी तुम्हारे दर्शन नहीं है, लेकिन आपके साथ थोड़ा आपके महल के भी दर्शन होंगे तो सच में अच्छा लगेगा। ये सब नज़ारा है हमारी राधा रानी का। कल मैं फिर से आपके लिए श्री जी के गर्भगृह की एक और घटना लेकर आऊँगा।